12 न्यूज खबर से तहकीक तक। औज बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद असलम बलोच, आप देख रहे हैं 12 न्यूज। सबसे पहले बात होगी पंजाब बार के इलेक्शन की। बकर सीट के लिए पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन में मलिक मजहर हुसैन जोया एडवोकेट ने मैदान मार लिया। मलिक मजहर हुसैन जोया एडवोकेट ने 650 वोटों की बढ़तरी से कामयाबी हासिल कर ली। उनकी कामयाबी पर बकर के वकला के भंगड़े मिठाइयां भी तकसीम की गईं। मलिक मजहर हुसैन जोया एडवोकेट के बकर बार एसोसिएशन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मलिक मजहर हुसैन जोया एडवोकेट ने मलिक जुल्फकार अली जमट एडवोकेट, मलिक सोहेल असलम छीना एडवोकेट, मलिक अदील हसन छीना एडवोकेट, मलिक नईम नवाज छीना एडवोकेट, शेख औरंगजेब एडवोकेट, हसनैन खान बलोच एडवोकेट, अब्दुल्ला खान नवानी एडवोकेट के हमरा वकला बिरादरी का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। मलिक मजहर हुसैन जोया एडवोकेट ने वकला से खिताब भी किया। उनका कहना था कि मेरी जीत वकला की जीत है, तमाम वकला बिरादरी को साथ लेकर चलूंगा। ऐसे जो झंडा वाला मलिक शेर अली छीना ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजायज असला रखने वाले दो मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद रमजान वाल मोहम्मद हनीफ से पिस्टल, कमर वाल बालू से 12 बोर बंदूक बरामद कर ली। मुलजमान के खिलाफ थाना झंडा वाला में अलग अलग मुकदमात का इंदराज कर लिया गया है। एसएचओ सदर मलिक अख्तर बग्गा ने कार्रवाई करते हुए कोटला जाम से लापता होने वाले 11 साल बच्चे को तलाश करके वर्सा के हवाले कर दिया। चंद्रोज कपल जेशान हैदर घर से लापता हो गया था। वालदैन ने पुलिस के इस इकदाम को भी सराहा है। डीपीओ बकर तहर रहमान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। दुल्हेवाला में गरम मलबूसात न मिलने पर दुकानदार को छुरियों के वार करके कत्ल करने वाले मुलजिम को एसएचओ थाना दुल्हेवाला जेम मैदी ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आरिफ वल तारिक ने छुरियों के वार करके आशिक हुसैन को गर्म कपड़े ना मिलने पर छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया था। मुलजिम को एसएचओ दुल्हेवाला ने गिरफ्तार करके आलय कत्ल बरामद कर लिया। बकर झांग रोड पर थल केनाल के करीब मुसाफिर बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जब हक हो गया। मंडी टाउन का रिहायशी तालिब इल्म मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने नामालूम ड्राइवर के खिलाफ मुकदमे का इंदराज कर लिया। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहें 12 न्यूज।